Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Hi. कैसे आप लोग ठीक है? हेलो हाय यू हाउ यू हैप्पी वुमेन डे हैप्पी मंडे टू यू टू हाँ मी टू वुमेन पावर मैं ट्रेलर देखी कप्पू तू भगवान से शुक्र मना इन्होंने शॉर्ट फिल्म बना ले क्यों अरे शॉर्ट फिल्म बना ले तो इतना लेडीज लोग आए ले सोच फुल फिल्म बनाते तो बॉलीवुड का पूरा महिला मित्र मंडल इधर आके बैठ जाता मैं सच्ची बोलती आई सी योर टीवी पे आई सी प्रोमो वेरी नाइस आप लोग का ये हिट होएगा थैंक यू बहुत अच्छा लगे थैंक यू बाय कहाँ जा रही है इतनी जल्दी बैठ इधर शॉर्ट फिल्म शॉर्ट एंट्री फुल फिल्म फुल एंट्री आई से रे बैठ इधर नहीं नहीं मैं ऐसा जाएगी नहीं जाएगा तो मेरा 25 लाख कट जाएगा वैसे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है अच्छा लगे थैंक यू वेरी मच हाँ काजल मैम मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ क्यों कैसे नाराज होते हैं हाँ सच्ची मैं बहुत नाराज हूँ अभी का इनका फिल्म का प्रमोशन रहते तभी आते हैं ना हाँ. ऐसा नहीं कभी सपना कैसी है तुम लोग डुक्कर कैसे है तुम्हारा मुकेश कैसे ऐसा कभी पूछते नहीं है काजल मैम ऐसी इन्होंने अजय सर से ऐसी शादी नहीं की तो फिर कैसे की तो रीति रिवाज से की और कैसे की तेरे को क्या लगा मैं कुछ भी बोलेगी मैं सिंगम से चिंगम ना लूं पंगा कौन लेगा उनसे क्या है ना सपना मेरे को तेरे साथ फोटो चाहिए मेरे को चाहिए क्योंकि ये पिक्चर ना जिसपे हम लोग पिक्चर बनाए देवी हाँ? मतलब ये जो मिक्सचर है मैन और वुमन का ना, आप लोग देवी इसमें तो डेफिनेटली देवी का नाम आएगा ही आएगा एक फोटो तो तेरे साथ डेफिनेटली चाहिए हम लोग सबके साथ आप लोग देवी हो मैं तो देवा हूँ लेकिन अजय सर नहीं आए क्या नहीं आए अच्छा मैं थोड़ी ना फिल्म में मैं हूँ क्या फिल्म में नहीं मैं आई ना तू है क्या फिल्म में नहीं तू भी आया ना तो अरे हमारा छोड़ो ये तो 100 महीने एक साल से आ रही है ना मैं इनका बताया था तो मुंबई में भी नहीं थी हरिद्वार में थी इधर किधर समाधि लिया था इन्होंने हाँ समाधि में थी ऐसा पढ़े ली थी किधर ऐसा जैसे इनको पता चला सिद्धू जी शो पे नहीं उधर से पैदल आई हरिद्वार से हाय मैम हाय मैम मेरी सीनियर आई नो बहुत साल आई सी यू सी पिक्चर आई सी टीवी यू आई सी थैंक यू नीना कुलकर्णी जी ना थैंक यू हाँ मैम मैम मेरा आपसे एक सवाल था हाँ बोलो जब आप पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं हाँ जी तो क्या बोलते हैं टंकी फुल करनी है कि कुल करनी है चलो जाने दो जैसी करनी वैसी कुल करनी हम देखो जवाब है तुम्हारे पास खैर श्रुति के लिए जोरदार था वेरी नाइस आई लाइक थैंक यू वेरी नाइस आप बहुत अच्छे लगते हैं वेरी नाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इनके हुसन की तारीफ करूं कि इनके हसन की तारीफ करूं आई लाइक योर डैडी इनके डैडी के लिए जोरदार ताली ऐसा आर्टिस्ट नहीं है किधर भी मैं सच्ची बोलती है दिल से इन्हें ऐसा कमल हसन जी का जवाब ही नहीं है थैंक यू वैसे तो उनका कोई सवाल भी नहीं है लेकिन उनका जवाब आपने वेलकम बैक में जॉनी ब्रेम के साथ काम किए लिए थे ना आप हाँ जी हम लोग वेलकम बैक का रीमेक बना रहे लिए तो हीरो कौन है फिल्म में हीरो सिद्धू जी वेरी गुड अच्छा
मैम मैं वो भी देखा आपके पास पढ़े ले पेपर में हम लोग के आपका वो बैंड भी है ना ऐसा म्यूजिक का. हाँ जी. तो ये म्यूजिक का बैंड बनाने के लिए टैलेंट की जरूरत तो नहीं रहती रहेंगी ना. ए, किसने कहा तेरे को? हाँ टैलेंट की जरूरत क्यों नहीं रहती? रहती है. रहती है. हाँ तो फिर इनको बताना ये लोग को. ये लोग को बताना. हाँ मैम सब इसके दोस्त लोग हैं नेपोटिज्म के चक्कर में हमारे शो की बैंड बजा रहे हैं. मैं श्रुति मैम आपको बताती हूँ इन लोग का ये हाल है. मैं कल इनको बोली मेरे को डी माइनर दो. तो बोलते घर से कटोरा लेकर तब देंगे. इतना भी नहीं मालूम कि मेरे को लिफाफे में भी दे सकते थे तुम लोग. ये वेरी नाइस दिस क्यूट गर्ल है. मी हाय यू हाय हाय रीटा. ए रीटा नहीं है. हाँ यशस्विनी. तुझे लगता है मैं ये शब्द बोल पाऊंगी? क्या यशस्विनी? तो क्या हो गया इधर प्रेसिडेंट आके सचिन को सुचिन बोल के गए. मैं ट्रम्प से ज्यादा समझदार है क्या? तब बीच में ट्रम्प कहां से आ गया? यूएसए से आया मालूम नहीं क्या तेरे को. कोई नॉलेज नहीं इसको इतना बड़ा शो होस्टिंग करता है इधर. अच्छा आप डियर जिंदगी में आप आलिया के साथ थे ना? मैं भी आलिया के साथ थी. तू कहाँ थी? बांद्रा में. हाँ बांद्रा में शूटिंग कर रही थी ना वो. मैं उसके पास गई मेरे को ऑटोग्राफ दो ना. मेरे को बोलती हट. मैं बोली भट. एंड वेरी नाइस आई लाइक यू ऑल्सो मुक्ता. थैंक यू. अच्छा मुक्ता जी मेरा भी आपसे सवाल था. जी पूछिए. जब आप उर्दू लिखती है हाँ. तो उस पर नुक्ता लगाती कि मुक्ता लगाती? ये क्या फालतू की बातें कर रही सपना यहाँ पे? तू तो मेरे बारे में ज्यादा बकवास मत करना. मैं आज की औरत हूँ. मुझे पता है तू आज की और कल की. हफ्ते में दो ही दिन औरत है ये. ऐसा बोलता है औरत को. मेरा जो छावा है मुकेश मैम मैं उसके कंधे के साथ अपनी नाभि मिला के चलती हूँ. अबे कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं लोग. हाँ तो शॉर्ट हाइट है ना उसके कंधे पे मेरी नाभि आती है. मैं क्या करूँ? मैम सॉरी मैम वो बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है ना वो संभालो जरा. इधर उधर हो रही है गाड़ी. इधर उधर कैसे हो सकती गाड़ी? ऊंट पे आई है ना वो तो. चल झूठ बोल रही है. झूठ किधर बोली? मैं ऊंट बोली रे क्या रे. अभी जैसे अजय सर है उनको झूठ बर्दाश्त नहीं ना मैम. बिल्कुल नहीं. मेरे को ऊंट बर्दाश्त नहीं है. मैं सच्ची बात. और वो भी खास करके इनका तो बिल्कुल बर्दाश्त. मेरा दिमाग खराब कर दिया. मैं बहुत परेशान हूँ. मेरे को टॉर्चर करते मालूम है. हाय मुकेश कैसे? शुअर जो है कि नहीं? ओए केले से कौन बात करता है? अच्छा पूरी दुनिया एप्पल से बात कर सकती है. मैं केले से बात नहीं कर सकती. मैं जाती हूँ. मैं ब्यूटी पार्लर हियर. मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है. तो आपका एक गाना आया था जाती हूँ मैं जल्दी. तो हमारे पास शिवानी जी आपके लिए जाती हूँ मैं मसाज है. उसमें क्या होता है? उसमें जाती हूँ मैं. ओए रुक. अच्छा मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि जब चार आदमी इकट्ठा होते हैं तो वो बड़ी बातें करते हैं. कभी लड़कियों की बातें कर ली कभी कोई अपनी है ना पार्टी वार्टियों की. लेकिन जब चार औरतें इकट्ठा होती हैं तो वो किस बात के ऊपर चर्चा करती हैं? इसमें आदमी और औरत दोनों अपनी राय दे सकते हैं. तो आप अपना एक एक करके हाथ खड़ा कर सकते हैं. जी भाई साहब आएंगे दुखड़े बाहर अभी. जी माइक माइक ले लीजिए. नमस्ते एवरीबॉडी. नमस्कार. नमस्ते. मैं नवीन मोनिया फ्रॉम गुजरात बारडोली से आया हूँ गाँव खड़ोद. और गुजरात में कहावत है. अच्छा जी. के चार चोटला भांगे ओटला. मतलब ओटला मीन्स के जो बैठने का चौराहा होता है. हाँ. और चोटला मीन्स के महिला है. अच्छा. एक दो महिलाएं जब तक बैठी है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा. जब तीन चार इकट्ठी हो जाती है. हाँ. तो प्रोग्राम शुरू. तो आपको आइडिया है किस बारे में बात करती हैं चार महिलाएं जब इकट्ठा होती हैं? जी मैं बताता हूँ. पहले तो चारों मिल के आप जब तैयारी पे करेंगी चारों की जो खड़ी होती है. हाँ. बहुत बढ़िया सेलो ले लिया
तो बड़े बढ़िया ड्रेस ले लिया, सब अपनी अपनी तारीफें शुरू करेंगी, सब ये खत्म होता है तब अपने साथ जो नहीं होती है उसके बारे में पांचवी छठी पे चली जाती है और उसकी बुराइयां शुरू जो मेन काम है उनका तो उसके आप वाली चुप चुप के सुनते हैं इसका मतलब आई नो आपकी वाइफ आई है साथ में है ना सर कहां है ना और मैं जरा आपको बता दूं अगर आपको लगता है कि सिर्फ औरतों के साथ होता है ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता है ये आदमियों के साथ बहुत ज्यादा होता है आदमी लोग का गॉसिप करते हैं चार आदमी जहाँ पे बैठ गए तो ये तो मतलब लिखा है कि वो पांचवी के बारे में बुराई करेंगे ही करेंगे तो है ही कपड़े भी आपने एक ही रंग के पहने हैं एक ही दुकान से लिए थे आपने वो तो पहनना पड़ता है सर पहनना क्यों पड़ता है ऐसे शो में आते आपके आपके शो में आते तो पहनना पड़ता है नहीं कपड़े तो पहनने ही चाहिए सबको पहनने चाहिए पर मैं ये बोल रहा हूँ तो, मैं मैडम से भी राय उनकी जानना चाहता हूँ मैडम क्या ये भाई साहब जो बोल रहे हैं हमारे भाई साहब आपके तो पति हैं ये सही बोल रहे हैं सही खुश रहिए बस जो भी आपका मन करिए खुश रहना चाहिए इंसान को चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच और कोई हमारे दोस्त विशेष टिप्पणी करना चाहते हो जी मैडम आज लेडीज भी ज्यादा आई हैं ऑडियंस में मैं नामिका शर्मा अच्छा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी कपिल जी तो मैं ये कह रही थी कि जहाँ पे चार लेडीज इकट्ठी होती हैं तो बातें तो होंगी हाँ जी नॉर्मली और कई बार बिना सिर पैर की भी बातें होती हैं तो मेरे साथ एक बड़ा ही फनी वाक्या हुआ जी कि हम लोग बस स्टॉप पे बच्चों को लेके जाते थे तो वहाँ चार पांच लेडीज आती थी अच्छा तो उनमें से जो एक थी वो डेली ही इंग्लिश में ही बात करती थी अच्छा अब मैं हरियाणा से आपकी तरह नील बट्टे सन्नाटा तो फिर तो मुझे ना बड़ा मतलब हिंदी में यार बात कर रहे हो तुम कभी तो हिंदी में बोलो क्या यू नो ये वो ऐसे ऐसे करके यार उसके बाद क्या हुआ कि मैंने दो चार दिन देखा मैंने कहा यार इसको तो फील कराना पड़ेगा भाई तेरे से ऊपर भी कोई है अच्छा मुझे बोलती है कि आई थिंक मैंने कहा तुम यार इंग्लिश में बात करते हो क्या तो बोली आपको इंग्लिश नहीं आती क्या मैंने कहा एक्सक्यूज मी मुझे आपसे भी अच्छी इंग्लिश आती है यू नो मैं बाहर वाले इंग्लिश बोलती हूँ और जब मैं ये फॉरनर्स वाले इंग्लिश बोलती हूँ तो मैं हिंदी भूल जाती हूँ और उसके बाद मैंने उसको बोला कि मुझे यही नहीं मुझे तमिल भी आती है फिर बोली ओह माय गॉड आपको इतनी लैंग्वेज आती है मैंने कहा या अगले टाइम से वो लेडीज मुझसे मतलब स्माइल करके मिलने लगी और वो हिंदी पे आ गई मुझसे हिंदी में ही बात करना शुरू किया वाह अच्छा मैम एक और चीज बताइए नॉर्मली जब लेडीज अपने बच्चों को लेके बाहर सोसाइटी में जाती हैं सारी बात इंग्लिश में करती डोंट डू दिस बेटा इट इज नॉट गुड घर आते कहती हट जा तुम मार तब उनको क्या होता है देख लो हमने तो कुछ नहीं कहा औरतें ही औरतों की पोल खोल रही हैं आप बहुत ऑनेस्ट हैं इलेक्शन में खड़े हो जाइए आप चलिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए मजा आया आपसे बात करके Like all of them together. Yeah, I can't believe it. This is so cool. Hey, aap logo ko mere taraf se namaskar sabhi deviyo. Namaskar. And sajaniyo. Kaise yo? Yo. Aap theek hai? Wo aap log ko dekh ke mere ko bahut khushi ho raha hai. Main sabse pehle aapko wo karna chahiye wo Kapil Sharma wo kya hote wo aam ka ben agar santre se shaadi kiya to santra aam ko kya bolenge? आम का बहन संतरे से शादी किया संतरा आम को क्या बोलेंगे साला आम साला मैं आपको साला आम करते हैं ये वैसे आप सभी को ऐसे साथ में देख के मेरा आका बाका बोचा के निकल गए I'm like amazing it's so cool वैसे श्रुति जी कैसे हैं आप I'm fine what would you like to have आप कहाँ से हो actually मैं लंदन से आए हैं okay तो आप क्या लेंगे मसाला टी ग्रीन टी आज एक और टी हमारे पास श्रुति ये मैंने फोर्थ स्टैंडर्ड में सुनी है ये वही मैं अभी उधर से है फोर्थ पे लेकिन आज मैं बता रहे आप लोगों को इस जगह में सबसे ज्यादा एक्साइटेड आदमी पता है कौन है कौन है कपिल शर्मा हाँ तो इस फिल्म के लिए ना
बाना मत बनाओ ब्रो फिल्म का ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज सिर्फ लेडीज आए हैं हाइट से डरते उसको क्या बोलते हैं वर्टिगो इसको फ्लर्टिगो का प्रॉब्लम है फ्लर्टिगो वैसे आप लोग का फिल्म देवी आ रही है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं तो मैं एक जानना चाह रही थी कि ये देवी फिल्म के लिए आप लोगों को पेमेंट मिले के प्रसाद मिले पर एक बात है मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस फिल्म में काम करने के लिए किसी भी एक्टर ने कोई चार्ज नहीं किया है सो ये बड़ी खूबसूरत बात है थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल फिल्म Yes, मैं बहुत खुश है ये फिल्म लाइक इट्स अ ऑल विमेन कास्ट इसके लिए जोरदार ताली हो जाए मतलब आप लोग मर्द लोग के साथ मिला के चल रहे हो क्या होता है वो प्याज को इधर महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं कांदा हाँ मर्द के साथ कांदा से कांदा मिला के चल रहे हैं लाइक इट इज सो इम्प्रेसिव कितना अच्छे बात है लेकिन खैर मैं बोलेंगे काजोल जी मैं बहुत बड़े फैन है आपके थैंक यू मैं आपको सच कह रहे आपको देख के मेरा तो चेहरे का रंग बदल गए क्यों मैं आपको सच ही बोलता हूँ मैं आपके एक्सेंट का बहुत बड़े फैन है तो तुम्हारा रंग क्यों बदल गया लेकिन आज को मेरा चेहरे का रंग बदले आप देखना दो दिन बाद आप सबका चेहरे का रंग बदल जाएगा काहे को बदलेगा क्योंकि होली है लेकिन ये ना इंडिया का ये त्योहार ना मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आते हैं क्यों समझ नहीं आते तो क्या होते हैं मैम मैं आप मेरे को बताओ जब होली होते हैं आप किसी का चेहरे पे ऐसा रंग फेंको और बोलो बुरा ना मानो होली है सामने वाला बुरा नहीं मानते अभी कुछ दिन पहले नाग पंचमी थे मैं एक आदमी के चेहरे पे नाग फेंके और मैं बोले बुरा ना मानो नाग पंचमी है वो बुरा मान गए यार नहीं वो इतना ज्यादा बुरा मान गए कि मेरे से बात नहीं कर रहे वो जमीन पे लेट के मुंह से झाग निकाल रहे पर बात नहीं कर रहे मेरे से इतना बुरा मानने वाला क्या बात है यार झाग निकाल नहीं लेकिन काजोल जी आपका वो फिल्म मेरा फेवरेट है वो जंतर मंतर पे क्या देते हैं लोग धरना धरना प्यार किया तो धरना किया दैट्स लाइक My hot favorite, मैं बहुत पसंद है और वो आपका बाजीकर का गाना वो काली काली आंखें पीली लिख तुरुरु तुरुरु ये था ब्रो वो तुम्हारा रिंगटोन होगा मेरा पीली लिख है यार सब लोग का रिंगटोन सेम होना जरूरी है क्या Come on bro, get a life. Anyways, श्रुति जी मैं आपके भी फैन है पर मैं आपको बड़ा फैन नहीं मैं आपका मोटा फैन है क्योंकि you know, मैं आपको एक सलाह देंगे लाइक एडवाइस हाँ जी आपको कभी भी ऐसे टाइम पास कर ले कोई ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए ना तो आप मेरे को हायर कर सकते हैं ओह गॉड मैं ऐसा बाय द आवर रेंट पे भी आते मैं अकेली मर जाऊंगी चलेगा तुम ऐसे घंटे घंटे के लिए रेंट पे क्यों जाता है तू नहीं परमानेंटली कौन चाहेगा मुझे यार तो इसका लेकिन देखिए आप मेरे को बॉयफ्रेंड रखेंगे आपका फायदा भी है क्या अच्छा। आप कभी भी ना मुझे छोड़ दो मुझे बुरा नहीं लगेगा और आपको भी कोई खास अफसोस नहीं होएगा अफसोस तो छोड़ो हो सकता है कि आपका हंसी निकल जाए इतना इजी है क्यों नहीं ट्राई करके देखते लेकिन श्रुति जी आप इतना प्यारा है इतना सुंदर है मेरे को वो अजीब लगता है कि इधर जो वास्तुशास्त्र के लोग होते हैं ना वो आपको पसंद पता नहीं क्यों नहीं करते क्यों क्यों नहीं वो कहते हैं कि साउथ फेस अच्छा नहीं है अभी ये देखो साउथ फेसिंग ही सबसे अच्छा है एग्जैक्टली आई एग्री लाइक क्या प्यारा ग्लोइंग चेहरा है आपका साउथ फेस देखो और हमारे इधर इधर कुछ ये नॉर्थ फेस है वो देखो आप ये लोग नॉर्थ नहीं है ये लोग अनॉर्थ है काजोल जी थोड़ा टाइम आपके साथ गुजारा मेरा बंगाली एक्सेंट भी निकल आया अनॉर्थ आमी बोलची आमी पॉन्ड होते हैं लेकिन श्रुति जी मैं आपसे एक बात सीरियसली जानना चाह रही है हाँ जी आपके पिताजी कमल है ना तो सुबह सुबह वो उठते हैं के खिलते हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं तू ऐसी मेरे पास एक और बात है लास्ट में कर देंगे एक और है तो श्रुति हसन जी आप अपना घर पे ऐसा दाल बनाते हैं तो उसमें लहसुन का तड़का लगाते हैं क्या हसन का तड़का
जब तुझे पता ही नहीं कुछ तो क्यों आ जाता है फालतू बकवास करने? मैं फालतू बकवास करने नहीं आए हाँ I'll tell you, मैं तो जब चाहे ना बॉलीवुड में एंट्री ले सकती है oh. पर खाली प्रॉब्लम है सिगरेट नहीं पीते ना इसके लिए मैं एंट्री नहीं ले पा रही सिगरेट का बॉलीवुड से क्या लेना देना He doesn't know, yeah? सब लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में फूक फूक के कदम रखने पड़ते मैं फूकता ही नहीं है मैं फूकता ही नहीं कैसे रखे कदम बस ये ऐसी बातें करता कोई ढंग की बात नहीं इसके बाद मैं ऐसा नहीं है मैं बहुत ढंग के काम किए लाइफ में आप लोगों को पता है अर्चना जी अभी थोड़ा टाइम पहले इधर यूपी में वो खुदाई करते करते उनको सोना मिल गए थे देखे थे आप न्यूज में हाँ खुदाई करते मैं सेम आइडिया लंदन में अप्लाई किए मैं उधर जाके खुदाई किए सोना निकला फिर नहीं नहीं सोना नहीं निकला मेरे लिए अरेस्ट वारंट निकला उधर मेरे को बोलते हैं कि पूछे बिना आप खुदाई नहीं कर सकते मैं बोला इंडिया में बिना पूछे लुगाई कर सकते है इधर जोरा सा खुदाई करने के लिए मना कर रहे हैं अजीब लोग है यार लेकिन ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है वैसे आई एम रियली कनेक्टेड इन हॉलीवुड मेरे को सब जानते हैं अच्छा आप ब्रैड पिट को जानते हो कि मेरा दोस्त पिट नहीं ब्रैड पिट यू सॉरी ब्रैड पिट अच्छा अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट पेट्रोल पंप जब इधर आए थे डोनाल्ड ट्रंप My bad. Donald Trump जब इधर आए थे तब वो हमारा सचिन तेंदुलकर को सोशिंग के डोकोर बना दिए तभी आपका आपत्ति नहीं निकले अभी मैं जरा सा इधर ब्रैड पिट को ब्रैड पुट बना दिए आपका चाय पत्ती निकल रहे क्यों क्यों ब्रो वो ऐसा नाम खराब करके गए मैं भी करेंगे मैं ब्रैड पिट को ब्रैड पुट ई बोलेंगे मैं विन डीजल को विन पेट्रोल बोलेंगे मैं जेनिफर लोपेस को जलंधर लोपेस बोलेंगे मैं एंजेलिना जोली को एंजेलिना कोहली बोलेंगे मैं बोलेंगे एंजेलिना कोहली एक्सक्यूज मी मेरा फोन आया मैं बहुत बिजी आदमी है मैं लेके फोन यस ऑफ कोर्स प्लीज यस श्योर ओह इट्स जैकलिन फर्नांडिस का मेरे को फोन आया अच्छा तेरे पास तो हमेशा फॉरेन सेलिब्रिटीज के फोन आते थे हां लेकिन ये कौन सा रामलाल का बेटी है यार ये भी भार्गव से मैं कॉल देंगे एक मिनट हेलो जैकलिन ये देखो जैकलिन तो मैं कर दिए है बाकी का बर्तन में छोड़ दिए तुम्हारे लिए तुमको आके क्लीन करने ओके ऑलराइट क्या तुम श्रीलंका में है तुम लंका छोड़ो कोई ढंग का काम करो देखो फर्नांडिस मैं सारा डिश तुम्हारे लिए छोड़ दिए है इधर आके साफ करो चलो मैं अभी फोन काट रहे है मैम I'm really sorry, लेकिन मेरे को अभी वापस हॉलीवुड जाने होंगे क्योंकि उधर मुझे वो लेडी गागा का नाम बदल के जेंट्स गागा करनी है मैं सबका बदल देंगे वो हमारा नाम ऐसा घुमाए सबका नाम चेंज करोगे आप देखो मैं चलते हैं अभी थैंक यू वेरी मच बहुत खुशी थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.